मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये लाइनें भीलवाड़ा के मांडल कस्बे की अंजना सुखवाल पर बिल्कुल सटीक साबित होती हैं। 5 साल की उम्र में दोनों हथेलियां और उंगलियां खो देने वाली 16 साल की अंजना सुखवाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सभी कक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास की हैं। अंजना अब 10वीं की परीक्षा दे रही हैं। जो काम मेरे से होता है वो मैं सारे करती हूँ और घर वालों की हेल्प करती हूँ, और घर वाले भी चाहते हैं कि मैं सारा काम करना सीखूँ क्योंकि लाइफ में सब काम करना जरूरी है, तो वो काम करना भी जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ सारे काम करती हूँ। मैं अच्छे से पढ़ाई करके IPS बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। लड़की के हौसले बहुत बुलंद हैं, ये देख करके सभी दांतों तले उंगली दबाते हैं और आश्चर्य करते हैं। वास्तव में ये एक सराहनीय कार्य है, प्रयास है बच्ची का। बच्ची 9th क्लास तक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होती रही है और अब भी भविष्य में लगता है कि बच्ची अच्छे नंबरों से 10वीं क्लास पास कर सकेगी। 1998 में अंजना ननिहाल में एक सामाजिक कार्यक्रम में गई थी। वहां संकरे रास्ते से गुजरने के दौरान धक्का लगने से वो गर्म तेल की कढ़ाई में जा गिरी। इससे उसकी कलाई से आगे के दोनों हाथ बेकार हो गए, उसका चेहरा भी झुलस गया। उपचार के दौरान हाथों की हथेलियों को काटना पड़ा। जब ये बच्ची 5 साल की थी, जब ये तेल की कढ़ाई में गिर गई, इसको कितनी परेशानियां हुई। उसके बाद में धीरे धीरे इसका जो मतलब रूटन नहीं होता था, मेरे को और मेरी पत्नी को इसका सहयोग करना पड़ा, खिलाना पिलाना। अपने IPS बनने का सपना सच करने के लिए अंजना जी जान से पढ़ाई में जुटी है। उसे मलाल है तो बस ये कि रेखा गणित और विज्ञान के चित्र नहीं बना पाती। लेखन किसी भी आम छात्रा की तरह कर लेती है, लेकिन गति थोड़ी धीमी है। उसे परीक्षा में 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाता है। भीलवाड़ा से सुरेंद्र सागर की रिपोर्ट, जानो दुनिया।